बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से तीर्थ यात्राओं के लिए बजट की मांग की है। केंद्र सरकार को कम से कम प्रदेश को तीर्थ यात्रा के लिए 1,000 करोड़ का बजट देना चाहिए। बीजेपी विधायक ने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समेत अन्य धार्मिक यात्राओं में पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए इस बजट से अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। उत्तराखंड को अगर आप देखते हैं तो 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन यदि आप यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन के बारे में अगर बातचीत करें तो आपको ध्यान होगा जब कांवड़ चला तो 5 करोड़ लोग यहाँ पर आए। ऐसे ही हमारी जो यात्रा है, पिछली बार लगभग 56 लाख लोग तीर्थ यात्री यहाँ पर आए, और उसके अलावा भी विभिन्न पहलू है पर्यटन के जिस पर लोग यहाँ पर आए, तो अगर वो संख्या भी काउंट की जाएगी तो 1.5-2 करोड़ से कम वो भी नहीं निकलती है। तो अगर मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो 8 करोड़ लोगों को हम 1.25 करोड़ लोगों के उत्तराखंड में प्रतिवर्ष अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हमारा प्रदेश है, छोटा प्रदेश है, संसाधन सीमित है, तो मैंने केंद्र सरकार से ये मांग की थी और संगठन में मैंने विषय रखा है कि कम से कम 1,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष यात्रा व्यय के लिए हमको मिलना चाहिए, और हम भी प्रयास करेंगे कि उस पैसे का उपयोग हम अस्थाई जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उनके लिए करें, ताकि आने वाले 8-10 साल के अंदर हमारी व्यवस्थाएं इतनी चाक चौबंद हो जाएं कि अगर यहाँ पर 2-3 करोड़ भी यात्री अगर एक बार में आते हैं यात्रा के रूप में तो उनको भी कोई असुविधा ना हो।